शहर का सबसे भीड़ भरा जो नाका है ये भिवानी रोड है। यहाँ पे जो देख रहे हैं पुलिस का ये नाका बनाया हुआ है। अभी लॉकडाउन से जो ड्यूटी दे रहे हैं वो सुभाष जी हैं, जिनकी यहाँ पे ड्यूटी रहती है, उनकी यहाँ पे तैनाती है। देख रहे हैं, देखिए गाड़ी आ रही है तो इनका चेकिंग हो रही है। इस प्रकार से चेकिंग करते हैं, गाड़ियों से पूछते हैं किस प्रकार से ये चेकिंग रहती है। आप सामने देख ही रहे हैं, क्योंकि कल भी जो दूध के ड्रम में 15 बोतलें जो इंग्लिश वाइन की मिली थी, उसके बाद पुलिस कुछ ज़्यादा ही सख्ताई करके कर रखी है पुलिस ने, क्योंकि पता नहीं किस गाड़ी में क्या मिल जाए। इसलिए पूरे इस बात को छोड़ देते हैं, अभी आते हैं मुद्दे पे। ये देखिए ईश्वर जी गए, जो लैब एसोसिएशन के प्रधान गए यहाँ पे, आज ये पुलिस वालों को जब ब्लड सैंपल लेने के लिए आए गए पिछले नाके पे, इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले जो खांसी के सिटी SHO थे जसवीर जी, या फिर ट्रैफिक के SHO गए, उनका भी मतलब इन्होंने ब्लड सैंपल लिया, उनकी टीम का भी मतलब। ईश्वर जी आप भी रक्तदानी गए, ऐसे में ये ब्लड टेस्टिंग आप कर रहे गए, तो इससे कोई मतलब किस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती ना अभी जैसे कोरोना का कहर चल रहा है? जैसे आप देख रहे हैं कि हम जो भी पूरे सिस्टम के साथ ही आए हुए हैं, जैसे कोरोना सेफ्टी किट भी है जो टेक्नीशियंस हैं हमारे, वो कम्प्लीटली अपने किट के साथ ही हम सैंपल ले रहे हैं। हम इसमें देखो इसमें होता कुछ नहीं, नॉर्मली सी बात होती है, हम इनमें सिर्फ 2-4 ml ब्लड लेते हैं, वो रूटीन में इनका पता चल जाएगा। जो योद्धा ये बेचारे जो 24 घंटे समाज सेवा के लिए, जो अपने देश की रक्षा के लिए कोरोना के इस युद्ध में जो तत्पर हैं बेचारे 24 घंटे, उनके लिए हम भी उनका रूटीन का चेकअप कर रहे हैं ताकि इन भाइयों को कोई दिक्कत ना हो। तो हल्की सी सिरिंज मतलब करके आप जी जी हाँ ये ले रहे हैं जी, तो रिपोर्ट कब तक देंगे इसकी? रिपोर्ट नियर अबाउट 24 आवर्स के अंदर इनकी रिपोर्ट हम दे किस देंगे। किस प्रकार की टेस्ट यहां जैसे ब्लड से रिलेटेड टेस्ट हैं जी, जैसे इनका कंप्लीट ब्लड काउंट है, जैसे टाइफाइड हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे बाहर इनकी ड्यूटी है, मच्छर वगैरह भी हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, और इसके अलावा ब्लड शुगर वगैरह से मतलब ब्लड शुगर जैसे टेस्ट हैं वो हम इनके रूटीन में करेंगे। रूटीन में करेंगे। तो ये ईश्वर जी मतलब 50 बार ये रक्तदान कर चुके हैं, रक्तदानी भी गए, इसके साथ साथ ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और ये कोरोना वॉरियर इनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोरोना योद्धा गए, जो जितने भी कोरोना योद्धा गए ये उनका ब्लड सैंपल यहाँ पे ले रहे हैं, और फ्री में जो उनकी टेस्टिंग होगी ब्लड की। इसके साथ ही जानते हैं हमारे साथ है सुभाष चंद जी, इनसे जाने के मतलब जो यहाँ के मतलब इंचार्ज है इस नाके के, सर क्या कहेंगे जैसे कि आज चेक करने के लिए लोग आए हैं टेस्ट? पहले तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये हमारे पुलिस कर्मियों का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर उनकी सेहत का ध्यान रख रहे हैं, जो 24 घंटे लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनकी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा बहुत शौक कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनका फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा। तो कितने लोगों की टीम यहाँ पे अभी लग रही है सर जिनका टेस्ट चलेगा? अब टेस्ट जिनका चलेगा वो तो हम 5 लोग हैं, वैसे यहाँ 10 लोगों की टीम है, डे नाइट अलग अलग शिफ्ट है, अलग अलग शिफ्ट रहती है, डे नाइट में अलग अलग शिफ्ट है, 5 नाइट को करते हैं 5 डे। तो इसके अलावा किस प्रकार की वाहनों की चेकिंग चल रही है? सर हम यहाँ जो भी वाहन आते हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग करते हैं कि कैसे जा रहे हैं, कितने लोग हैं गाड़ी में, कोई और सामान तो नहीं है, और क्या ले जा रहे हैं, किस टाइप का सामान है गाड़ी में, हर टाइप से चेकिंग करते हैं। तो गाड़ियों को खुलवा के देख रहे हैं? गाड़ियों को खुलवा के चेक रहे हैं, देख रहे हैं पीछे गाड़ी में क्या लोड है, डिग्गी खुलवा के और प्रॉपर मतलब सीटों के नीचे वगैरह सब कुछ देख के, क्योंकि इस टाइम कई लोग जैसे वाइन वगैरह या कुछ दूसरा सामान भी लेके निकलने की कोशिश, अवैध तरीके से मतलब नाका पार कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का सब कम ध्यान रखते हैं, अवैध चीज़ें भी ना हो, शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ भी ना हो, शांति से कोई जाए या मतलब बहुत कम लोग जाए ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि हम ज़्यादा इकट्ठे हों, भीड़ भाड़ से नुकसान है अपना। तो यहाँ पे अभी चलान किए हैं कुछ मतलब गाड़ियों की जो चेकिंग की है, कुछ ऐसा मतलब अवैध तरीके से कोई सामान, कोई नशीला पदार्थ कोई मिला हो अभी यहाँ पे? नहीं, हमें नशीला पदार्थ अभी तक कोई नहीं मिला, लेकिन जो चलान हमने कई किए हैं जो या तो फालतू में घूम रहे हैं या आओ बिना मतलब के जा रहे हैं शहर में, इस टाइप के कुछ हैं, या आवारा लड़के घूम रहे हैं तो उनके चालान वगैरह किए हैं, गाड़ी इंपाउंड किए हैं, इस टाइप से। थैंक यू सर। तो ये थे सुभाष जी, जो इन्होंने भी मतलब यहाँ पे अभी अपना जो ब्लड सैंपलिंग दिया गया, ये देखिए ईश्वर जी किस प्रकार से अपनी टीम के साथ लगे हुए गए, साथ में जैसे ये देखिए पुलिस के जवान बैठे हुए गए और उनका जो टेस्ट चल रहा है, ये देखिए जो ईश्वर जी की पूरी टीम है वो लगी हुई है। सर आपसे जानेंगे, क्या नाम आपका, क्या नाम है? अभिषेक।
अभिषेक जी किस प्रकार से ये टेस्ट आप लोग कर रहे हैं, कैसे होता है, कुछ बताएंगे थोड़ा सा? सर जो रूटीन के जो टेस्ट होते हैं उसमें आता है जैसे CBC, मलेरिया, टाइफाइड, उससे हमें पता लगता है कि जो कोरोना से रिलेटेड जो भी मतलब जो प्रथम लक्षण होते हैं कहीं वो तो नहीं है। सर कोरोना का वक्त चल रहा है, ऐसे में आप लोग लग रहे हैं, कोई मन में कोई डर कोई भय तो नहीं है? नहीं सर, कोई डर नहीं, सेवा करने का भाव है। जी सर, पूरे दिल से लगे हैं। जी सर, काफी मजा भी आ रहा है। जी सर, मतलब ये जो कोरोना योद्धा है इनकी सेवा करके। जी सर जी, और कुछ कहना चाहेंगे? तो ये देखिए इन्होंने कहा कि मतलब कोई भय नहीं लग रहा इनको, और साथ में इनको काफ़ी यहाँ पे मज़ा आ रहा है, क्योंकि जो लोग ये कोरोना योद्धा जो पुलिस कर्मी है या फिर अन्य जो लोग लगे हुए हैं कोरोना के युद्ध में, उनकी सेवा करने से इनको कहीं ना कहीं शांति मिल रही है, और इसीलिए ये अपनी परवाह ना किए हुए ये ईश्वर जी की पूरी टीम गए ये लगी हुई है। इंटरनेशनल से अनुराग सिंह।